भाई आवाज तो जाएगी नहीं, लेकिन कोशिश कर लेते हैं। अगर इस वीडियो में आवाज आ गई तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ बहुत ठंड लग रही है। कहानी की स्टोरी यह है कि आज का मिशन था चुटियारी डैम पहुंचना। चुटियारी डैम बकार लेक एक ही जगह है, ये एक मैन मेड डैम है और इसकी ज्यादा तफसीलात बता के आपको बोर नहीं करेंगे। कराची से तकरीबन इसका फासला 280 किलोमीटर है, तकरीबन 5 घंटे में हमें कराची से यहाँ आने में लगे। उसकी वजह ये है कि खैबर जो कि N5 से एक रास्ता है राइट की तरफ मुड़ रहा है टंडवादम की तरफ, आपको वो रोड लेना होगा। उसके बाद से इंतहाई खूबसूरत रास्ता है तो आप रुकते हुए आते हो और पिक्चर से पिक्चर देते। अगर आपको सेम डे में सारी एक्टिविटीज़ करनी है कि सफ़र आने और जाने का भी हो जाए तो आपको फजर पे निकलना चाहिए या उससे भी पहले। अट्रैक्शन नंबर 1 यहाँ है बकार लेक जो कि डैम का ही हिस्सा है। यहाँ पे होती है बोटिंग जो कि 2500 रुपये में होती है और बहुत मज़ा आता है। अगर यहाँ आए और बोटिंग नहीं की तो कोई फ़ायदा नहीं। बोट से 2 ऑप्शन है कि एक यहाँ पे आप खाली लेक का चक्कर मार ले, दूसरा यहाँ पे पुरानी 2 हवेलियाँ हैं, अगर आप उनका चक्कर मार लें तो मज़ा आ जाएगा। हम इस वीडियो में उन हवेलियों पर जाने वाले हैं। हम 3 लोगों ने कर लिया, सालिम बोट कर लिया। तो भाई अब जा रहे हैं हम हवेली पे। ठंडी हवा लग रही है, बेस्ट मौसम यही है, अदरवाइज यहाँ इतनी गर्मी होती है कि मजा खराब हो जाता है। भैया आ गए हवेली। आ जा, जाइए एक एक करके आओ, मैं आपको भी दिखाऊं कैसी रहती है। लाओ भाई शहजाद अली। भाई कोई ले तो नहीं जाएगा वापसी में? कोई नहीं। हवेली पे पहुंच गया भाई, हवेली की भी कहानी सुन लेते हैं। इस हवेली का फ्रंट ये है। कहते ये है कि जो हुर थे यहाँ की जो कौम थी उनका और अंग्रेजों का झगड़ा हुआ था, तो फिर अंग्रेज ये जगह छोड़ के भाग गए थे। फिर ये करीमदास जुनेजो साहब ने ले ली थी, काफी अरसा वो यहाँ रहे और 2002 के बाद यहाँ पे रिजर्वायर बन गया। उससे पहले ये सारी ड्राई लैंड थी क्योंकि ये मैन मेड डैम है, यहाँ पानी लाया गया है, तो उसके बाद से इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है खस्ता हाली में। दूसरी हवेली भी अभी उसकी तरफ जा रहे हैं, वो खैर मोहम्मद जुनेजो की है, वो भी देख लेते हैं। टाइम लिमिटेड है, हम थोड़ा सा लेट आए, यहाँ थोड़ा जल्दी आना चाहिए। बाय बाय करीम दाद साहब की हवेली। भाई अब वो हवेली पे जा रहे हैं। पानी हम साथ लाते हैं अपने। ये क्या भाई? ये इनकी औताक थी। अच्छा भाई ये इनकी औताक थी। ये इस हवेली का फ्रंट है, तो शहजाद भाई हमें विजिट करा रहे। खस्ता हाली। शहजाद भाई ये तो किसी ने इस्तेमाल किया उसके बाद भी, क्योंकि अंदर टाइल्स वगैरह नए लगे हैं। सर ये जो बाहरी मुल्क से आए हैं, जो बेरोनी मुल्क से टाइल है, हर चीज पहले उन्होंने बाहरी मुल्कों से ले लिए थी। अच्छा जी जी। कितने कमरे हैं कुछ पता है आपको इन्फॉर्मेशन? भाई इस हवेली में 4 कमरे, एक येरा और 2 उस तरफ थे। सही है, ये हम फ्रंट वाली साइड से बाहर निकल रहे हैं। अब वापस हम रिजॉर्ट की तरफ जा रहे हैं जहाँ से हमने कश्ती ली थी। फिर सोचेंगे इनको फिर से भूख लग रही है। हम ऊपर चढ़ने वाले हैं, पानी साफ आएगा। पैसे पूरे वसूल हुए? पैसे
जरूरत से ज्यादा वसूल हो गया। ये चोर है, इसने उनकी जैकेट मार ली है। ओए होए होए भाई देखिए उसको, दोस्त को यार इससे जैकेट उतरवा। यही करता है ये, इसने हमारी पूरे पाकिस्तान में बेइज्जती कराई है। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे आओ और नाइट स्टे करो तो इसके लिए ये रिजॉर्ट है जो कि काफ़ी मुनासिब है। इसकी कीमत मैं अभी आपको बता देता हूँ। यहाँ की अगर बुकिंग करानी है तो इसके ऑप्शन क्या है, कहाँ से हो सकती है, पैसे कितने हैं, ये सब बता दें। ऑप्शन ये है कि आप ऑनलाइन हमारा वेब पोर्टल है वहाँ से भी आप बुकिंग ले सकते हैं, और यहाँ पे डायरेक्ट बुकिंग भी ले सकते हैं, और हमारे हेड ऑफिस से भी बुकिंग ले सकते हैं, वहाँ पे भी बुकिंग होती है। सुपर रिलैक्स रूम है, उसका चार्ज, उसकी चार्जेस है 8,000 रुपये। सही हो गया। और जो सिंगल रूम है, सिंगल बेडरूम है, उनकी 6,000 है। और रूम में फैसिलिटीज़ क्या क्या है? रूम में अकोमोडेशन है, उसमें बेड लगे हुए हैं, एसी लगे हुए हैं, और उसके साथ जो भी रूम सप्लाई आइटम्स हैं वो पूरे देते हैं, और उसके साथ सर्विस बॉय भी होते हैं। ये रिजॉर्ट का एनवायरनमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। यहाँ पे इन्होंने नई कैंटीन बनाई है मक्की के नाम से। ये मक्की एक्चुअली जगह, अच्छा अट्रैक्शन एक और भी है यहाँ पे, जो असल अट्रैक्शन है वो है शिकार की अट्रैक्शन। ओहो, लोग शिकार करने यहाँ आते हैं, यहाँ पे बोट लेके जाते हैं आगे जंगल में, वहाँ रात को शिकार करते हैं, सुबह सुबह शिकार करते हैं। और फिर परिंदे कौन से हैं यहाँ के मकामी हैं? साइबेरिया के जो आते हैं ना माइग्रेटरी बर्ड्स, सर्दियों में आते हैं, उनका शिकार होता है, पक्षी कहते हैं। पक्षी से याद आया, मच्छी यहाँ की बड़ी हाल है। और आगे क्या था? पक्षी से याद आया कि यहाँ की मच्छी भी ज़बरदस्त होती है, क्योंकि डैम से ताज़ा ताज़ा मछली पकड़ के खिलाते हैं। हम जा रहे हैं सांगड़ शहर वापस, वहाँ पर जाके सज्जी खाएंगे। भाई सांगड़ शहर में आ गए अब्दुल जब्बार मल्ला के पास, जहाँ पे फिश सब्जियाँ लगी हुई हैं। कुछ लोगों ने पहले से ऑर्डर दिए हुए थे, कुछ लोगों को प्री मेड दे रहे हैं, तो हम प्री मेड पर आएंगे क्योंकि हम यहाँ लेट आए हैं। इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन कोई 6:30। कहा यह जा रहा है कि 2 किलो के आसपास की आप बनवाएंगे तो टेस्टी होगी, 3 किलो पर चले गए तो टेस्ट नहीं होता है। चटनी कैसे यार? चटनी तो है असल। क्यों भाई? भाई चटनी के बगैर ये मछली अधूरी है। इसको रैप करा लेते हैं। हमने कोई तकरीबन 2.25 किलो का पीस लिया जो कि 1500 रुपये का। क्या ख्याल है? अच्छा है। क्या क्या है ये? क्या है ये? कैंडी, हमारी बढ़िया वाली कैंडी। इसको लेके जा रहे हैं भाई होटल पे, अनरैपिंग वहीं करेंगे। लोग इसको ले जाते हैं किसी होटल पे खाते हैं, क्योंकि यहाँ बैठने की कोई जगह नहीं है, ये अपने घर ले आते हैं। हम अपना घर तो यहाँ ला नहीं सकते, तो भाई इसको किसी होटल पे खा लेते हैं फिर घर जाएंगे। भाई उर्दू में हम कहते हैं इसको रहू, और यहाँ पे करुड़ो कहते हैं, करुड़ा करुड़ो, समझे? अली भाई कुछ ज़्यादा जज्बाती नहीं होगा, मेज़बान होटल की छत पे आके बैठ गए, वो भी ठंड में। चलो भाई खोल दो भाई, अनरैपिंग हो रही है भाई। फिश सज्जी करोड़ों की, जिसको रहू कहते हैं उर्दू में। ये कोई प्लेट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यार। इसके बाद कहना है आहा, पहले इसको खोल तो ले। धुआं धुआं अंदर था। उसने सही भाई, बहुत ही कोई गर्म निकली अंदर से। और ये इसकी खास चटनी है जिसके अंदर इसको खाना है। भाई चखे अली भाई और बताएं इसका टेस्ट कैसा है। और ने भी ली भाईजान अली भाई, जी भाई क्या बता रही है ये मछली? जबरदस्त। धुआं तो चेक करा है, ये कांटे वाली होती है? सारी इंफॉर्मेशन तो देते हैं यार। ये वाली कांटे वाली होगी, जाहिर है दरियाई मछली रहू है। वर्त है यहाँ आके ये खाना? वर्त है, बिल्कुल वर्त है, ट्राई करें, सर्दी में मजा आएगा। जी आप क्या कह रहे हैं? यार अच्छी है ये, जो ऊपर से इन्होंने मसाला डाला ना ये कुछ टेस्ट दे रहा है। और डाले से मसाला आएगा और डालना, ये इमली की जो चटनी है ना, आहा इसकी वजह से कमाल हो गया यार। ये तो अभी भी धुएं मार रही है भाई, सही से रैप किया है उन्होंने इसको। 4 घंटे की ड्राइव करनी है वापसी में ये मछली खा के, तो कोशिश करेंगे जल्द से जल्द निकले यहाँ से। जन ओवरऑल इधर आना, एक बेहतरीन पैकेज है कराची से करीब, इतनी बेहतरीन तफरी मिस ना करना, कोशिश करके आ जाओ। तो आखिर में मैसेज वही है,
कि इस वीडियो को अगर 10 लोगों को फॉरवर्ड कर दोगे तो इंशाल्लाह जल्द खुशखबरी मिलेगी। अगर मेरी वीडियो पसंद नहीं आई तो इसको अपने किसी दुश्मन को भेजना और कहना लाइक तो कर दो यार। बाय बाय। कहना ये चाह रहे थे कि मच्छी से याद आया कि कहना ये चाह रहे थे कि पक्षी से याद आया कि मक्खी भी यहाँ की अच्छी थी।